हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपन ने अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जाना था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेके की, जो कि एक लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। तो इसे वाइंड पिप के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेके ऊपर की ओर तो लेयरिंग से जुड़ी होती है, ठीक है। ट्रेके जो होती है नली का आकार संरचना होती है, जो कि ऊपर की ओर लेयरिंग से जुड़ी होती है, जबकि नीचे की ओर थोरेसिक कैविटी में जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। यानी जो ट्रेकिया होती है वो ऊपर की ओर तो लेयरिंग से जुड़ी होती है और नीचे की ओर थोरेसिक कैविटी में जाकर टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जिसे अपन ट्रेकिया बोलते हैं। अब ट्रेकिया में सी आकार की 16 से 20 रिंग्स पाई जाती है, यानी जो सी शेप होती है उनकी 16 से 20 रिंग्स पाई जाती है, जो इसे पिचकने से रोकती है। एंड ट्रेकिया के चारों ओर 16 से 20 रिंग्स पाई जाती है सी आकार की, जो कि उसे पिचकने से रोकती है, ओके। अब ट्रेकिया में निम्न तीन लेयर होती है, ठीक है। ट्रेकिया में तीन लेयर होती है, सबसे पहले आउटर लेयर, दूसरी मिडल लेयर जिसे सब म्यूकोसल लेयर कहते हैं, और तीसरी इंटरनल लेयर जिसे इनर म्यूकोसा भी कहते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। आउटर लेयर फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। अब मिडल लेयर को सब म्यूकोसा के नाम से भी जाना जाता है, जो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट है इंटरनल लेयर को इनर म्यूकोसा भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ ट्रेकिया, यानी जो ट्रेकिया होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में पाए जाने वाली सेल्स, ये वाली लेयर, एक तो मिडल लेयर और इंटरनल लेयर, ठीक है, जिसे सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर बोला था, ठीक है। तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में पाई जाने वाली सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जो कि इंस्पायरेट यानी जो ग्रहण करने वाली वायु के साथ आने वाले धूल मिट्टी तथा बैक्टीरिया वायरस आदि को लंग्स में जाने से रोकती है। जो म्यूकस होता है, म्यूकस में पाए जाने वाली सेल्स होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जो कि अपने द्वारा वायु ग्रहण की जाती है, उसके साथ जो धूल मिट्टी कण आते हैं उनको लंग्स से जाने से रोकती है, यानी उन्हें वहीं पर वो रोक लेती है या उन्हें नष्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब सेकंड फंक्शंस की, तो एयर को क्लीन एंड फिल्टर का वर्क करती है। यानी जो ट्रेकिया होती है वो एयर को क्लीन एंड फिल्टर करने का वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ये क्या करती है, ट्रेकिया साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और साउंड प्रोडक्शन की प्रक्रिया अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझी थी, ठीक है, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंकाई के बारे में, किसके बारे में, ब्रोंकाई के बारे में, ओके। तो क्या होती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ट्रेकिया थोरेसिक कैविटी में जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई कहते हैं। यानी जो ट्रेकिया होती है वो ऊपर तो लेयरिंग से जुड़ रही थी और नीचे थोरेसिक कैविटी में जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, जिसे अपन ने ब्रोंकाई बोला। जो राइट वाली ब्रोंकाई थी उसे राइट ब्रोंकाई, जो लेफ्ट वाली ब्रोंकाई होगी उसे लेफ्ट ब्रोंकाई कहते हैं। यह विभाजन लगभग 5 थोरेसिक वर्टिब्रा के स्तर तक होता है, यानी जो 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वहाँ तक होती है। अब देखते हैं अपन राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में क्या क्या अंतर है, या राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई क्या होती है। तो सबसे पहले अपन राइट ब्रोंकाई की बात करते हैं। राइट लंग्स में इंटर करती है, ओके। एंड राइट ब्रोंकाई होती है जो राइट लंग्स में इंटर करती है, और जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है वो लेफ्ट लंग्स में इंटर करती है। सेकंड है, यह लगभग 1 इंच लंबी होती है, ठीक है, और जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है 2 इंच लंबी होती है। यह लंग्स में जाने के बाद 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, यानी जो राइट ब्रोंकाई होती है वो लंग्स में इंटर करने के बाद 3 ब्रांच में डिवाइड होती है, और जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है यह लंग्स में इंटर के बाद 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, यानी जो राइट 3 में डिवाइड होगी और लेफ्ट होगी जो लेफ्ट लंग्स में 2 ब्रांच में डिवाइड होती है। अब थर्ड विभाजन देखते हैं, इसका जो थर्ड अंतर है वो क्या है। यह तीनों ब्रांचेस लंग्स के तीनों लूप्स में इंटर करती है, यानी जो राइट ब्रोंकाई होती है जो 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी, तो तीनों ब्रांच जो हर्ट में 3 लूप्स होते हैं उनमें इंटर करती है। कौन कौन से लूप, एक तो सुपीरियर लूप,
मिडल लूप एंड इन्फीरियर लूप, इन तीनों लूप्स में इंटर करती है कौन? राइट ब्रोंकस। थर्ड है जिसमें, अब लेफ्ट ब्रोंकाई क्या होती है, जिसमें एक ब्रोंकाई सुपीरियर और दूसरी इन्फीरियर लूप्स में एंटर करती है। एंटर लेफ्ट ब्रोंकाई होती है वो टू पार्ट में डिवाइड होती है, तो वह दो ही लूप्स में जा पाएगी, एक तो सुपीरियर लूप्स और इन्फीरियर लूप में ही एंटर करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्रोंक्यूल्स के बारे में, यानी ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करने के बाद अनेक ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। यानी जो ब्रोंकाई होती है वो अनेक पार्ट में डिवाइड होती है तो उसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला ट्रिक है ब्रोंकाई में बदली, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में बदली। अब जो ब्रोंक्यूल्स का एंड पार्ट होएगा उसे अपन एल्वोलाई बोलेंगे। तो किसे बोलेंगे एल्वोलाई? जो ब्रोंक्यूल्स का एंड पार्ट इसे अपन एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट एल्वोलाई के बारे में। एल्वोलाई इसे एयर सैक के नाम से भी जाना जाता है। क्या? एयर सैक के नाम से। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, जो वायु रहती है उसका आदान प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, इसे एयर सैक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोंक्यूल्स लंग्स में अनेक पार्ट में डिवाइड होकर एंड में एक छोटी फूली हुई स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे एल्वोलाई कहा जाता है। एल्वोलाई किसे कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स, ये वाले ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, लंग्स में अनेक पार्ट में डिवाइड होती है, जो ब्रोंक्यूल्स होती है वो भी बहुत सारे पार्टों में डिवाइड होती है और एंड में एक छोटी फुली हुई स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे एल्वोलाई कहा जाता है। जो एल्वोलाई होती है वो वायु का आदान प्रदान करने का कार्य करती है, यानी CO2 तो ब्लड से ले लेती है और ऑक्सीजन ब्लड को दे देती है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लंग्स के बारे में, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाँचवा नंबर का लंग्स, ये चौथा लिखा गया, सॉरी। अब बात करते हैं अपन फाइव लंग्स के बारे में। लंग्स थोरेसिक्यूटी में पाए जाते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, लंग्स कहाँ होते हैं? थोरेसिक्यूटी में पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी यानी दो लंग्स पाए जाते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। लंग्स के चारों ओर दो परत पाए जाते हैं, जो लंग्स होते हैं उसके चारों ओर दो परत पाए जाते हैं। सबसे बाहरी परत होती है जिसे पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। जो बाहरी परत होती है उसे पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि एब्डोमेन वाल से जुड़ी होती है। जो बाहरी परत होती है वो पैराइटल प्लूरल लेयर या मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि एब्डोमिनल वाल से जुड़ी होती है। दूसरी लेयर बात करते हैं अपन आंतरिक परत या विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन या विसरल प्लूरल लेयर होती है, जो कि लंग्स से जुड़ी होती है। एक होती है बाहर की ओर जिसे पैराइटल प्लूरल लेयर कहते हैं, जो एब्डोमिनल वाल से जुड़ी होती है। दूसरी आंतरिक होती है विसरल पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, सॉरी विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि लंग्स से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब है पैराइटल प्लूरल और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन के मध्य एक कैविटी पाई जाती है, जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उनके मध्य एक कैविटी पाई जाती है, जिसे प्लूरल कैविटी कहा जाता है। ओके, और इस प्लूरल कैविटी में, जो ये प्लूरल कैविटी देखिए अपन ने लंग्स में, लंग्स के चारों ओर पाई जाती है। इस प्लूरल कैविटी में एक फ्लूड प्रेजेंट होता है, जिसे प्लूरल फ्लूड कहते हैं। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि प्लूरल फ्लूड कहाँ पाया जाता है, तो प्लूरल कैविटी में पाया जाता है। या ये पूछा जा सकता है कि लंग्स होते हैं उसके चारों ओर कौन सी कैविटी पाई जाती है, तो उसे अपन प्लूरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, कहता प्लूरल फ्लूड तो उसके ये कार्य होते हैं, प्लूरल फ्लूड के फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन से लंग टिश्यूज़ को न्यूट्रिशंस ऑक्सीजन प्रदान करता है। सेकंड है लंग्स को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है। थर्ड है लंग्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, लचीलेपन को बढ़ाता है। इसके बाद रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ये प्लूरल फ्लूड के फंक्शंस होते हैं। प्लूरल फ्लूड कहाँ पाया जाता है? प्लूरल कैविटी में पाया जाता है। प्लूरल कैविटी कहाँ पाई जाती है? तो पैराइटल प्लूरल और विसरल प्लूरल के मध्य, ये जो लेयर होती है लंग्स के चारों ओर पाई जाती है, उन दोनों लेयर को मध्य पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स की। तो अपन बात करते हैं सबसे राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला है इसमें तीन लूप्स पाए जाते हैं, यानी जो राइट लंग्स होता है उसमें तीन लूप्स पाए जाते हैं, सुपीरियर लूप, मिडल लूप और इन्फीरियर लूप। जो इसमें जो ब्रोंकाई आ रही थी, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रही थी। अपन ने पहले देखा था तो
तीनों पार्ट एक एक लूप्स में जा रहे थे, सुपीरियर लूप, मिडल लूप और इन्फीरियर लूप। ठीक है, अब लेफ्ट लंग्स, इसमें दो लूप्स पाए जाते हैं, एक तो सुपीरियर लूप और इन्फीरियर लूप। ठीक है, जिसलिए तो ब्रोंकाइट दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो सुपीरियर लूप में जा रहती है, इन्फीरियर लूप में जा रहती है, फीजर्स। सेकंड है फीजर्स, इसमें जो फीजर्स रहते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है ऑब्लिक। ठीक है, अब जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें फीजर्स, फीजर्स क्या होता है, एक होता है जिसे अपन ऑब्लिक कहते हैं। अब जो वेट होता है यानी जो राइट लंग्स का जो वेट होता है वो 580 ग्राम का होता है, यानी जो राइट लंग होता है वो थोड़ा भारी होता है। ठीक है, और बड़ा भी होता है। नेक्स्ट लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स का जो वजन होता है वो 510 ग्राम का होता है, यानी जो राइट लंग्स थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स की तुलना में बड़ा होता है, जो राइट लंग्स है वो लेफ्ट लंग्स की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लंग है वो राइट लंग्स की तुलना में छोटा होता है। ये इसके डिफरेंस बिटवीन है, और इसके साथ अब ये इसके है, और इसी के साथ अपना लंग्स भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन श्वसन में सहायक अंग कौन कौन से, एक तो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल्स मसल्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं डायफ्राम। बात करते हैं पर डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल्स मसल्स के बारे में, जो कि श्वसन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ओके, सबसे पहला है डायफ्राम तथा इंटरकोस्टल मसल्स रेस्पायरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकंड है डायफ्राम थोरेसिक कैविटी में, डायफ्राम थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के मिडल में पाया जाता है, जो थोरेसिक कैविटी होती है और एब्डोमिनल कैविटी से होती है उसके मध्य डायफ्राम पाया जाता है, जो दोनों कैविटीज़ को सेपरेट करता है, यानी दोनों कैविटीज़ को अलग करता है। डायफ्राम के ऊपर तो थोड़ी सी कैविटी पाई जाएगी और नीचे की ओर एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती है। ओके, थर्ड है यह डोम शेप ऑर्गन होता है, जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप ऑर्गन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। फोर्थ है ह्यूमन में 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है, जो मसल्स होती है कौन सी, इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो 11 जोड़ी होती है, यानी 22 मसल्स होती है। नेक्स्ट है यह मसल्स दो टाइप की होती है, जो एक 11 जोड़ी मसल्स है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरी है इंटरनल इंटरकोस्टल्स मसल्स। ओके, अब नेक्स्ट है इन मसल्स और डायफ्राम में, इस मसल्स और डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शंस और रिलैक्सेशन होता है, जो मसल्स है और डायफ्राम है इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड संकुचन एंड रिलैक्सेशन होता है, जो एयर को बॉडी के अंदर इंटर करने और बाहर निकालने में हेल्प करती है। ओके, जो डायफ्राम और मसल्स होता है उसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो एयर होती है वो बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, और जब रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होती जब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होती है तो उसी के द्वारा जो एयर होती है वो लंग्स से बाहर निकलने का कार्य करती है। ठीक है, यानी जो इस प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन होती है वो तो शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और जो CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शरीर के बाहर निकलने का कार्य करती है। ठीक है,